हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गर्वे सुलक्स पर। दोस्तों आज हम आप सब लोगों के साथ में एक ऐसी बाइक की डिटेल शेयर करने वाले जो एक अपने सेगमेंट में एक यूनिक बाइक है जो आप सब लोगों को रेट्रो लुक प्रोवाइड कराती है यामा। तो आज हम आप सब लोग साथ डिटेल शेयर करेंगे यामा FZX की। तो दोस्तों ये बाइक अपने सेगमेंट में 150 cc के अंदर ये बाइक आती है, एक सबसे अलग बाइक है। इस प्रकार की लुक हमें और किसी भी बाइक की देखने को नहीं मिलती दोस्तों इसके अंदर हमें 149 cc का इंजन मिलता है जो कि 9.1 kW की पावर 7250 rpm पर जनरेट करता है। और दोस्तों टॉर्क की बात करें तो 13.3 Nm का टॉर्क 5500 rpm पर जनरेट करता है। दोस्तों आइए दोस्तों फ्रंट में ले चलूँ तो मैं आप सब लोगों को इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसके अंदर हमें एक DIY प्रोजेक्टर मिलता है बीच के अंदर और 3 पार्ट्स के अंदर DRL लैंप मिलते हैं। स्प्लिट पार्ट्स है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं। इसको मैं ऑन करके दिखाना चाहूँगा आप सब लोगों को, इसके DRL काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर हमें जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और सस्पेंशन के ऊपर ये सील गार्ड लगा हुआ है जिससे कि आपके सस्पेंशन के अंदर मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, जिससे सील प्रूफ है, ये प्रोटेक्ट करेगा मिट्टी वगैरह से। यदि मिट्टी जाएगी तो इसके जो सस्पेंशन की जो सील इधर रहती है वो कट जाती है कई बार, तो उसके लिए यामा ने ये रबड़ की ग्रिप प्रोवाइड कराई है। और दोस्तों आप सब लोग इसका मड गार्ड देखेंगे तो ये फुली मेटेलिक मड गार्ड है। और दोस्तों ये पूरी बाइक की फुली मेटेलिक है। मैं आप सब लोगों को इसका टैंक भी दिखाना चाहूँगा, टैंक भी आप सब लोग देख सकते हैं, फुली मेटेलिक बॉडी का टैंक मिलता है इसके अंदर हमें। और दोस्तों ये सिंगल चैनल ABS के अंदर ये बाइक हमें मिलती है। और फ्रंट टायर की बात करें तो 180x17 का ट्यूबलेस टायर हमें मिलता है और पिछला टायर इसके अंदर हमें 140/60 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है दोस्तों। और दोस्तों जो आप सब लोग ये डिस्क प्लेट देख रहे हैं ये 282 mm की डिस्क प्लेट है और बाइबर के कैलिपर के साथ में। और दोस्तों आप सब लोग इसके टायर के जो ग्रिप देखेंगे ये ऑन रोड ऑफ रोड अच्छे से, यानी कहीं पे भी आप सब लोग इसको चला सकते हैं बेझिझक। इसके इंडिकेटर हमें बल्ब इंडिकेटर मिलते हैं और इसके सस्पेंशन दोस्तों मेरे को काफ़ी हैवी लग रहे हैं, जो अदर बाइक है उनके कंपेरिजन में काफ़ी मोटे लग रहे हैं। आइए दोस्तों आप सब लोगों को दिखा दूँ मैं इधर साइड में, आप सब लोगों को FZX 3D के अंदर मिलता है स्टील के अंदर और इधर आप सब लोगों को यामा के स्टिकर मिलते हैं। दोस्तों इधर आप सब लोगों को दिखा दूँ साइड में। और दोस्तों इसके ब्रेक पैड की बात करें तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का ब्रेक पैड है जो स्टील के अंदर और ये कट लगे हुए ताकि आपका पैर कभी भी इसके ऊपर से स्लिप ना हो। और रबड़ ग्रिप के फुटरेस्ट मिलते हैं और पिलिन राइडर के लिए हमें एल्यूमिनियम के फुटरेस्ट मिलते हैं जो इसके ऊपर ग्रिप भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और दोस्तों इसका कुछ एग्जॉस्ट साउंड मैं आप सब लोग सुनाना चाहूँगा स्टार्ट करके। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना, कैसा लगा आप सब लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसके ब्रेक लाइट की बात करें तो इसके अंदर हमें LED ब्रेक लाइट मिलती है दोस्तों विद बल्ब इंडिकेटर के साथ में और इधर हमें नंबर प्लेट की लाइट मिलती है। दोस्तों एक बार मैं आप सब लोगों को ब्रेक लाइट और दिखाना चाहूँगा, देखिए दोस्तों इसकी ब्रेक लाइट कुछ इस प्रकार की हमें मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों पिलियन राइडर के लिए हैंड ग्रैब रेल्स बहुत ही अच्छी दी गई है ताकि यदि आप सब लोग घर से अपनी माताजी या बहन ने कोई भी बैठकर आराम से यानी कंफर्टेबल फील करें। दोस्तों चलिए आप सब लोगों को आगे की तरफ लेके चलूँ तो आगे दोस्तों मीटर दिखाने से पहले मैं आप सब लोगों को इसके इंडिकेटर दिखाना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल है। आप सब लोग देख सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ मैंने अच्छे से मोड़ दी, लेकिन काफ़ी अच्छे फ्लेक्सीबल इंडिकेटर दिए गए हैं यामा कंपनी की तरफ से।
हाँ ये दोस्तों इसका मीटर मैं आप सब लोगों को दिखा दूँ, नेगेटिव डिस्प्ले के साथ में इसका मीटर हमें मिलता है और की स्लॉट हमें इधर मिलता है टैंक के ऊपर, देखिए दोस्तों। और इधर मोड सेलेक्ट करने के लिए ट्रिप वन ट्रिप टू, और इधर आप सब लोगों को फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, इधर स्पीड मिलती है दोस्तों, और इधर आरपीएम का कुछ गोल के अंदर डिजाइन मिलता है आरपीएम लाइट का। ये नेगेटिव डिस्प्ले होने के कारण शायद पता नहीं आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से या नहीं। और दोस्तों इधर आप सब लोगों को डिस्प्ले के नीचे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि जो अपने कार के अंदर जो चार्जिंग के लिए जो केबल लगाते हैं वो पोर्ट दिया गया है इसके अंदर। इधर आप सब लोग अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा सकते हैं दोस्तों। इसके लेफ्ट हैंडल बार की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार के ऊपर इधर हाई बीम लो बीम का स्विच, और इधर आप सब लोगों को ये फ्रंट लाइट हेडलाइट ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है, इधर इंडिकेटर ऑन करने के लिए, और इधर हॉर्न का स्विच दिया गया है, और ऊपर की तरफ आप सब लोगों को एक पासिंग स्विच भी मिलता है दोस्तों। राइट हैंडल बार की बात करते हैं आप सब लोगों को इंजन के लिए ऑन ऑफ स्विच ऊपर की तरफ मिलता है, और सेल्फ स्टार्ट नीचे की तरफ मिलता है दोस्तों। और जो दोस्तों आप सब लोग ये कलर देख रहे हैं, ये मेटेलिक ब्लैक कलर देख रहे हैं, और दो कलर के अंदर और अवेलेबल है, मेटेलिक कॉपर और मेटेलिक ब्लू के अंदर ये बाइक अवेलेबल है दोस्तों। सिद्धार्थ यामा रेवाड़ी के अंदर आप सब लोग आना चाहे इधर देखना चाहे तो इधर आके देख सकते हैं, और इसकी कोई डिटेल लेना चाहे तो दोस्तों। इसकी माइलेज की बात करते हो ये हमें 45 से 50 की माइलेज प्रोवाइड कराएगी, और इसके प्राइस की बात करते हो 1,32,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, और 1,54,500 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। ये ऑन रोड प्राइस दोस्तों आप सब लोग शहर में अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आप सब लोगों को ये बाइक कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।